वेटनरी एनाटॉमी का जो शोबा है ये हमारे बेसिक वेटनरी साइंसेज में आ जाता है, और इसमें हम जो डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं और हमारे डिप्लोमा ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज और लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा का जो हमारा डिप्लोमा है उसमें हम इस सब्जेक्ट को ऑफ़र करते हैं। और ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को हम एनाटॉमी के बारे में और हिस्टोलॉजी के बारे में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हम उसमें इनकी तालीम और तरबियत हम इसको देते हैं और इसको ट्रेन करवाते हैं। इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है वेटनरी एनाटॉमी के शोबे की, ये एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन है। बेसिक वेटनरी का बहुत ज़्यादा रोल है कि तलबा जो हैं हमारे वेटनरी के तलबा वो इसको सीखते हैं, और फिर उसके बाद वो जब ये अच्छी तरह सीख जाते हैं उनको पता चलता है कि नॉर्मल बोन्स कितनी होती है जानवरों में, और बोन्स के ऊपर कौन से मसल अटैच होते हैं, और मसल्स जो है ना वो इसमें इनर्वेशन कितनी है, नर्व सप्लाई इसमें कौन कौन सी जा रही है, वर्टिब्रे कितने हैं हर एनिमल में, हर स्पीशीज़ के स्कल के बारे में, उसकी बाकी टिश्यूज़ के बारे में वो पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी बेसिकली साइंस की वो फील्ड है जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं उनके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, और इस पर्पस के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी माइक्रोस्कोप्स मौजूद हैं जिसमें हम स्किन के सेल्स, उसकी डिफरेंट लेयर्स, उसके साथ साथ हमारे पास जो लिवर है या लंग्स हैं या जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो स्लाइड्स हैं उनका हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये जो हिस्टोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट है ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, हम अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में भी पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो डिप्लोमा की क्लासेस हैं उनमें भी हिस्टोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें हम इनको बेसिकली जितने भी एनिमल या प्लांट टिश्यूज़ हैं और स्पेसिफिकली एनिमल टिश्यूज़ हैं उनकी स्लाइड्स प्रिपरेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन और उनको आइडेंटिफाई करना, उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं। एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि जब हम इनको डिजीज्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं तो जब तक इनको नॉर्मल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी का पता नहीं होता, नॉर्मल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का इनको पता नहीं होता, ये आगे नहीं जा सकते। ये आगे उसको बीमार जानवर को अच्छी तरीके से उसके सिस्टम में बीमारी का जो फैलाव है वो बीमारी किस तरह उसके सिस्टम को मुतासर करती है, उसमें कौन कौन से क्लिनिकल साइंस आते हैं, ये तमाम अगर उन्होंने नॉर्मल जो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ी हुई होती है तो वो फिर जो है ना उसको इसके स्टूडेंट्स की काबिल हो जाते हैं कि वो जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाके और एडवांस लेवल पे जाके और उसको वो स्टडी करें और वो मेडिसिन पढ़ें और पैथोलॉजी पढ़ें और फार्माकोलॉजी पढ़ें और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ें जिसमें वो जो है ना एनिमल्स के बीमारियों के बारे में, एनिमल्स के जो उसके क्लिनिकल साइंस हैं उसको आगे जैसे उसके पैथोलॉजी है और उसकी जो है ना उसके बारे में वो माहिर हो सकते हैं। तो जो वेटनरी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी की ये इम्पॉर्टेंस है कि हम इनको फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें हम इनको बताते हैं कि बॉडी का फंक्शन क्या है, बॉडी के अंदर नॉर्मल ऑर्गन्स और नॉर्मल टिश्यू किस तरह से फंक्शंस करते हैं, ये उसकी एक अहम इम्पॉर्टेंस है। और स्टूडेंट हमारे जो है ना वो इस बेसिक साइंसेज में जब तक ये पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर चौथे पाँचवें सेमेस्टर तक जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो ये फिर आगे जाके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इन्होंने बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा हो। हम मुख्तलिफ स्केलेटन बनाते हैं डोमेस्टिक एनिमल के, इसमें हम लार्ज एनिमल्स प्लस स्मॉल एनिमल्स का स्केलेटन बनाते हैं। तो लार्ज एनिमल में ऑक्स, हॉर्स, डॉग, कैमल्स के स्केलेटन है हमारे पास, और स्मॉल एनिमल में फिर कैट है, रैबिट है, और इसी तरह फिर इसके बाद फिर बर्ड्स हैं, तो बर्ड में ऑस्ट्रिच से लेकर चिकन तक हम वो बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। इस लैब में हम जो है ना स्केलेटन्स वगैरह को थोड़ा सा हम इसको जदीद पैमाने पे अब लेके जा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर फवास जो है ना और वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद तमगा इम्तियाज़ के विजन के मुताबिक हम इस जो लेबॉर्ट्री है वो हम इसको आगे मुस्तकबिल में एक म्यूज़ियम बनाने का इरादा भी रखते हैं जिसमें मुख्तलिफ जानवरों के ढांचे और उस जानवरों के जो स्टफ्ड जिसको हम कहते हैं कि प्लास्टनिंग की तरफ और एडवांस लेवल
की तरफ कि वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के स्केलेटन हों, मुख्तलिफ बर्ड्स के स्केलेटन हों, और ये फिर हम जो है ना अपने जैसे हमारे दूसरे BS प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ वाले हैं या एनिमल साइंसेज BS एनिमल साइंसेज वाले हैं या BS पोल्ट्री साइंसेज वाले हैं, हम इस सब्जेक्ट को उनको भी ऑफ़र कर देते और वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और इसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स की हम उनमें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर सकेंगे।